बहुत समय पहले की बात है, कमालपुर नाम के गांव में एक बहुत साहसी और शूरवीर राजकुमार रहता था। उसने अपनी वीरता से बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर दिया था। दूर दूर देशों में उसकी वीरता के किस्से थे। कोई भी योद्धा उसके सामने टिक नहीं पाता था। उसके माता पिता को अपने पुत्र पर बहुत गर्व था। जगह जगह से लोग आते उसकी तारीफ करते राजा रानी से। राजा रानी अपने बेटे की किस्से कहानियां सुनकर बहुत खुश होते, लेकिन एक बात ऐसी थी जिससे वो दोनों ही बहुत परेशान थे। राजकुमार की शादी की उम्र हो चुकी थी, पर उसको कोई लड़की ही पसंद नहीं आती थी। वो सबसे शादी के लिए मना कर देता था। इस बात से राजा रानी बहुत चिंतित रहते थे। सुनो रानी, अब समय आ गया है, हमें राजमाता के पास चलना चाहिए। राजमाता के पास हमारी सभी परेशानियों का हल जरूर होगा। हाँ, आप सही बोल रहे हो, हमें राजमाता के पास चलना चाहिए। अब वो दोनों निकल पड़ते हैं राजमाता के घर की तरफ और पहुंच जाते हैं। राजमाता प्रणाम। आओ, कैसे आना हुआ आज इतने समय बाद? सब ठीक तो है ना? राजकुमार तो बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं अब। हाँ हाँ, सब ठीक है, पर एक चिंता की बात है, उसके लिए ही हम आपके पास आए हैं। हाँ बोलो, क्या हुआ? माता, मैं राजकुमार के विवाह को लेकर बहुत चिंतित हूँ। उसे कोई भी राजकुमारी ही पसंद नहीं आ रही। अब आप ही कोई उपाय निकालिए जिससे उसको उसके जीवन साथी मिल जाए। उसके जीवन में इस धरती की सबसे सुंदर रानी है, पर बात यह है कि उसको पाना इतना आसान नहीं है। कई साल पहले की बात है, एक बहुत ही दयालु राजा था। वो अपनी रानी के साथ राज किया करता था। सब बहुत अच्छा चल रहा था। तभी रानी ने एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया था। हर तरफ बहुत खुशी का माहौल था, सभी बहुत खुश थे। और राजा ने अपनी बेटी के जन्म की खुशी में एक शाही जश्न रखा था। बड़े दूर दूर से लोग उसको आशीर्वाद देने के लिए आए थे, और परी लोग के परियां भी आई थी उसमें। एक एक करके सभी परियों ने राजकुमारी को आशीर्वाद दिया। किसी ने उसको सुंदरता का, किसी ने उसको अमीर होने का, किसी ने खुश रहने का। सबने अपनी अपनी शक्तियों के हिसाब से आशीर्वाद दिए। और तभी बहुत गुस्से में वहाँ पर आई काली परी। उसको गुस्से में देखकर राजा भागा। राजा को देखते ही काले परे बोले, राजा तूने सारी परियों को बुलाया, बस तूने मुझे नहीं बुलाया। ये तूने अपमान किया है मेरा, तूने बेइज्जत किया है मुझे बहुत। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मुझे माफ कर दो। तभी काली परी ने अपनी छड़ी उठाई और राजकुमारी को श्राप दे दिया। मैं तुझे श्राप देती हूँ, 18 साल की होते ही तू मर जाएगी। नहीं, ये तुमने क्या कह दिया, वो बहुत छोटी है, हमारी गलती की सजा हमारे बेटे को ना दे। तूने मेरा घोर अपमान किया है, सजा तो मिलनी ही है तुझे। ऐसा ना करें। ऐसा बोलकर काली परी वहाँ से गुस्से में चली गई। अब हंसी खुशी का माहौल शोक में बदल गया था। हर तरफ मायूसी छा गई थी, कोई खुश नहीं था। ये अच्छा नहीं करा काली परी ने, बहुत बुरा किया उसने हमारे साथ। तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ आती है। राजा रानी उसे अपने महल में बुला लेते हैं, उसकी सेवा करते हैं, और उनकी सेवा से खुश होके वो बोले, महाराज क्या मैं आपकी बेटी से मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और वो उसको राजकुमारी के पास ले जाते हैं। अरे महाराज, ये तो श्रापित है, इसको तो काली शक्तियों का श्राप लगा हुआ है। आप चिंता ना करें, मैं इस श्राप को खत्म तो नहीं कर सकती, पर अपनी शक्तियों से मैं इसके असर को कम कर सकती हूँ।
हमारी मदद करो, मेरी बेटी को बचा लो। तभी वो एक जादुई मंत्र पढ़ती है, आसमान से बिजली कड़कती है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू मरेगी नहीं 18 साल की होने के बाद, बल्कि तू गहरी नींद में चली जाएगी। और फिर एक राजकुमार आके जब राजकुमारी को छुएगा तो ये श्राप से मुक्त हो जाएगी। पर तब तक हम कैसे रहेंगे? चिंता मत करो, राजकुमारी के 18 साल के होने के बाद ही जल्दी ही एक राजकुमार आएगा जो इस श्राप को खत्म करेगा। और ऐसा बोलकर वो वहां से चले गए। एक एक करके दिन बीतने लगे, महीने बीते और साल निकले। राजकुमारी तेजी से बड़ी होने लगी और साथ साथ राजा रानी का दुख भी बढ़ने लगा। और ऐसे ही करके एक दिन राजकुमारी हो गई 18 साल की और वो आज गहरी नींद में है। तुम्हारे राजकुमार की किस्मत उसी से जुड़ी हुई है। जाओ अपने बेटे को बोलो वो उस राजकुमारी को आजाद करे श्राप से। राजा रानी राजमाता को धन्यवाद करके निकल पड़ते हैं महल की तरफ। आओ बेटा, हमें तुमसे कुछ खास बात करनी है। हाँ जी माता जी, बोलिए। राजा रानी उसको सारी बात बताते हैं और वो सुनते ही निकल पड़ता है राजकुमारी से मिलने। दो दिन तक सफर करने के बाद वो पहुंच जाता है। वहाँ के राजा रानी उसका स्वागत करते हैं और वो अपना दुख बताते हैं। आओ बेटा, हम तुमको राजकुमारी के कमरे में ले चलते हैं। वो राजकुमारी को देखता ही रह जाता है। राजकुमारी इतनी सुंदर जो थी, वो फटाफट राजकुमारी को छू देता है और तभी राजकुमारी नींद से उठ जाती है। राजा रानी ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो राजकुमारी को मिलते हैं और राजा रानी उसके बाद उन दोनों की शादी करा देते हैं। उसके बाद राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, एक गांव में राधा अपने परिवार के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब लोग थे, उसके पिता खेती करते थे। राधिका बहुत ही शांत और नेक दिल की लड़की थी, लेकिन बदकिस्मती से वो बहुत ही काली थी। लोग उसके कालेपन का बहुत मजाक बनाते थे। राधा बेटा, जा बाजार हुआ, घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं। जा बाजार से कुछ सब्जियां ले आ। माँ, मैं नहीं जाऊंगी, आप ही जाओ। जाना बेटा बाहर, जल्दी ला, मैं और काम में व्यस्त हूँ। तुम कब तक ऐसे ही घर में बैठी रहोगी? माँ, आपको पता है ना, सब मेरे कालेपन पर हंसते हैं, सब मेरा मजाक बनाते हैं। अरे बेटा, इंसान का मन साफ होना चाहिए, सूरत नहीं। अपनी माँ के कहने पर वो बाजार की ओर निकल जाती है। अरे ओ कामिनी, देख वो काला बैगन चलकर आ रहा है। काला बैगन? वो कैसे चलता है? अरे वो देख ना। अरे हाँ, तू तो सही बोल रही है। ये तो सच में काला बैंगन ही है। वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और सब्जी की दुकान पर पहुंच जाती है और अपने घर लौट आती है। एक दिन राधा की दोस्त सुप्रिया उसे खेलने के लिए बुलाने आती है, पर राधा उसे मना कर देती है। सुप्रिया के बार बार कहने पर वो उसकी बात मान जाती है और तभी सुप्रिया के दोस्त सुप्रिया और राधा को चढ़ाने लगते हैं। अरे सुप्रिया, ये कौवे को अपने साथ ले क्यों आई तू? चुप रहो, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। वो सब उसे काला कौवा कहकर चढ़ाते हैं। राधा वहाँ से रोते रोते भाग जाती है और एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाती है। तभी उसे एक बहुत सुंदर सी चिड़िया दिखाई देती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अरे ये तो घायल है,
मैं इसकी मदद कर देती हूँ। वो उसे खाना खिलाती है, पानी पिलाती है। तभी वो चिड़िया एक बहुत ही सुंदर सी परी में बदल जाती है। ये देखकर राधा चौंक जाती है। अरे राधा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारा दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। मैं सोन परी हूँ, मैं हर रोज की तरह पृथ्वी लोक की सैर कर रही थी, तभी मैंने तुम्हारी रोने की आवाज सुनी। मुझे पता है तुम क्यों परेशान हो, तुमने मेरी मदद करी, अब मेरी बारी है, मैं करूँगी तुम्हारी मदद। लेकिन बस एक बात है जो मैं तुम्हें बता दूँ, हम किसी भी लालची और बुरे व्यक्ति की मदद नहीं करते हैं। इसलिए मैंने चिड़िया बनकर तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम परीक्षा में सफल हुई। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी, चलो मेरे साथ, मैं तुमको बादलों में ले चलती हूँ, मेरे सोने और चांदी के साबुन के घर में। इतना कहकर परी राधा को अपने साथ बादलों में ले जाती है। वहाँ पर एक तरफ सोने का और एक तरफ चांदी के साबुन का घर था। तभी परी जादू से सोने और चांदी के साबुन राधा को देती है और राधा अपने घर वापस आ जाती है और वो उस जादुई साबुन से अपना मुंह धोती है और वो एकदम परी की तरह सुंदर हो जाती है और अपने इस बदले हुए रूप को देखकर वो खुशी से नाच उठती है। उसके इस बदले हुए रूप को देखकर उसकी माँ भी बहुत खुश हो जाती है और वो सारी बात अपनी माँ को भी बताती है और वो खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी ही जादुई और मज़ेदार कहानियाँ रोज़ देखने के लिए।